प्रभारी नगर आयुक्त जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में सोमवार को नगर निगम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे पत्रावालियों की जांच की और कहा कि महानगर वासियों की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों के लिए सभी 70 वार्डों में नगर निगम अपना एक दफ्तर खोलेगा, जहाँ सभी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र किया जा सके। दफ्तर के लिए जमीनों की तलाश शुरू कर दिया गया है। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था जमीन मिलने तक मौखिक रूप से वार्डों में ही किया जाए। शासन की जो भी प्राथमिकता वाली योजनाएं चल रही हैं, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ओडीएफ को लेकर नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एडीएम वित्त और राजस्व विधान जायसवाल, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र सहित नगर निगम के नोडल अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, और रामपुर डॉक्टर गोरखपुर को उसने भी
खास तौर पे जो यहाँ जो नगर निगम, राजस्व विभाग और यहाँ चकबंदी विभाग और GDA, इन लोग आपस में एक मीटिंग हम लोग बुलाया है, आपस में एक टीम बनाया हम लोग। 70 वार्ड है, वार्ड वाइज हम लोग नगर निगम का दफ्तर खोलेंगे, वहाँ कई सफाई कर्मचारी वहीं हाजिरी देंगे और वहाँ वो सुबह से शाम तक वो दफ्तर रहेगा। किसी के भी जो लोकल मोहल्ला लोग का शिकायत करना हो, उसी दफ्तर में जाकर के अपने सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए दफ्तर खोलने के लिए हम लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं। दूसरा चीज़ है जो कूड़ा निस्तारण का लेके हम लोग वार्ड में ही कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था कर रहे हैं, उसे लेके जो हर वार्ड में आधा एकड़ से एक एकड़ का ज़मीन तलाश रहे हैं, वो इसके लिए टीम का गठन हुआ है। आज से तलाशी चालू हो जाएगा, हमें एक सप्ताह के अंदर उम्मीद है वो ज़मीन मिल जाएगा तो हम लोग दफ्तर भी खोल देंगे और कूड़ा निस्तारण का, मौखिक कूड़ा निस्तारण का भी व्यवस्था हम लोग करा देंगे उसका, उसी के संबंधित मीटिंग।